हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम रावत। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थॉमस हॉब्स की। थॉमस हॉब्स एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर रहे जिन्होंने अपनी बुक लिवायथन के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी और उन्होंने ह्यूमन नेचर को सेल्फिश कहा, इगोइस्टिक कहा और आइसोलेटेड कहा। उन्होंने ह्यूमन नेचर को सेल्फिश क्यों कहा, आइए जानते हैं। थॉमस हॉब्स के ऊपर इंग्लिश सिविल वॉर का इम्पैक्ट पड़ता है। इंग्लिश सिविल वॉर जो है 1640 और 1660s के आसपास का एक समय होता है जब ब्रिटेन के जो लोग होते हैं वो मोनार्की के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब जो रॉयल फैमिली होती है, रॉयलिस्ट होते हैं और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनके बीच जो है एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है और जो लोग आम आदमी होते हैं वो चार्ल्स फर्स्ट जो वहाँ का किंग होता है उसे मार देते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है थॉमस हॉब्स पर पड़ता है, उसके आइडियाज़ पर पड़ता है। और थॉमस हॉब्स वही व्यक्ति है जो रॉयलिस्ट फैमिली के लिए काम कर रहा था, तो उस पर तो इम्पैक्ट पड़ना ही था। तो थॉमस हॉब्स ने